एक्सी प्रोग्राम रिलेटेड टू प्रीवियस केस। इस केस में जस्ट मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू रिमूविंग ऑल डुप्लीकेट्स और डुप्लीकेट ऑकरेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। जस्ट प्रीवियस केस में डिस्कस किया था हाउ टू रिमूविंग ऑल ऑकरेंसेस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर। जस्ट इस केस में ऑल ऑकरेंसेस रिमूव न करा के आपको रिमूव क्या कराना है, ओनली डुप्लीकेट कैरेक्टर्स के ऑकरेंसेज और फ्रिक्वेंसीज को रिमूव कराना। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग सम स्ट्रिंग एज, इस केस में जस्ट इस ऑपरेशन को फिनिश करने के लिए यूजेड फाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे एज अ रिमूव डुप्लीकेट्स। फंक्शन नेम एज रिमूव डुप्लीकेट्स। इस प्रॉब्लम के केस में अगेन सबसे पहले मैं लॉजिक डिस्कस करूंगा, लॉजिक से इंप्लीमेंट करने के जस्ट बाद फाइनली राइट डाउन करेंगे सोर्स कोड। वन मोर थिंग्स, इस केस में जस्ट मैं यूज क्या करूंगा ऑपरेशंस ऑफ रिमूव ऑल फंक्शंस। जैसे प्रीवियस लेक्चर मैंने डिस्कस किया था हाउ टू रिमूविंग ऑल फ्रिक्वेंसीज और ऑल ऑकरेंसेज ऑफ अ गिवन कैरेक्टर्स, लेकिन इस केस में गिवन कैरेक्टर्स के ऑकरेंसेज रिमूव न करा के रिमूव क्या कराना है, ओनली डुप्लीकेट कैरेक्टर्स के ऑकरेंसेज को या डुप्लीकेट ऑकरेंसेज को रिमूव कराना। तो इस केस में अगेन मैं यूज क्या करूँ लॉजिक्स ऑफ रिमूव ऑल। रिमूव ऑल फंक्शन ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुका मैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका सोर्स कोड राइट डाउन कर रखा है। प्लस जब भी मुझे किसी भी कैरेक्टर्स के सारे फ्रिक्वेंसी रिमूव कराने होंगे अगेन मैं सेम कोड फिर से राइट नहीं करके जस्ट कॉल क्या कराऊंगा इस पर रिमूव ऑल फंक्शन। क्लियर? जस्ट इस केस में कोई भी डिस्कशन पॉइंट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं इससे पहले जस्ट प्रीवियस वीडियो फिनिश करना, देन आपके लिए करंट वीडियो इजीली समझना पॉसिबल है। रिमूव डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स रिमूव करने के केस में जस्ट मैंने कोई स्ट्रिंग पास की लाइक बिलीवेबल। जस्ट मैंने इस स्ट्रिंग को सिलेक्ट किया क्योंकि इसके अंदर कई सारे कैरेक्टर्स के फ्रीक्वेंसी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। अगर इस फंक्शन को कॉल कर दें तो इसके जस्ट बाद जो ओरिजिनल स्ट्रिंग हुआ, ओरिजिनल स्ट्रिंग के केसेस में जस्ट बी फर्स्ट टाइम मीन्स इसका जस्ट रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या होगा आपके पास, बी। बी कितनी बार रिपीट हुआ, ओनली वन टाइम। तो इस केस में बी का पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी फर्स्ट टाइम रिपीट डिलीट कराएंगे। देन ई के रिस्पेक्ट में बात करें, नेक्स्ट टाइम ई, ई अपियर होगा तो ई के कितने फ्रिक्वेंसी रिमूव होंगे, वन एंड टू। जस्ट ई कितनी बार ऑकर होगा, ओनली वन टाइम। टू फ्रिक्वेंसी रिमूव करने के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या, एल, एल के रिस्पेक्ट में एल कितनी बार अपीयर होगा, वन एंड टू। तो सेकेंड फ्रिक्वेंसी इसका रिमूव कराओ, देन नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद क्या ई, ई ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम ए, ए के रिस्पेक्ट में बात करें, ए कितनी बार रिपीट हुआ है, टू टाइम्स, वन टू। तो सेकेंड ऑकरेंस इसका रिमूव होने के बाद ए फिनिश हो जाए। नेक्स्ट टाइम क्या है, वी, then v only one time should do, then this is the resultant string regarding given case. Clear? This is the output results according to given string. Just so operations को finish करने के लिए सबसे पहले मैं string को diagrams के form में implement करूँ, then one by one इसके सारे cases discuss करूँगा जिससे आपके लिए easily समझना possible होगा। Just string के case में believable, believable के case में total characters कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 plus last character क्या हुआ, नल। तो टोटल कैरेक्टर्स कितने इस केस में, 11। सबसे पहले मैं इसके लिए डायग्राम इंप्लीमेंट कर रहा हूं जिससे आपके लिए ऑपरेशंस इजीली समझना पॉसिबल होगा। फर्स्ट केस, फर्स्ट लेटर क्या इस केस में, बी ई एल ई ए वी ए B L E, देन लास्ट प्लेस पर जस्ट रिपीट क्या हुआ, नल, सॉरी ऑकर क्या हुआ, नल। अगर इसका एड्रेस 100 है देन नेक्स्ट कैरेक्टर्स का एड्रेस क्या हुआ, 101 102 103। वन मोर थिंग्स, आपके लिए एग्जाम्पल तभी अच्छे से समझना पॉसिबल होगा आप ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल्स को फिनिश कर चुके, क्योंकि इस केस में जो प्रीवियस एग्जाम्पल में ऑलरेडी मैं इसके एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ, सेम एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करूँगा। क्लियर? 107 108 109 110, लाइक दैट। तो इस टाइप से आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल, तो इस केस में जस्ट फंक्शन क्या इंप्लीमेंट करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स। रिटर्न टाइप इज void, void रिमूव डुप्लीकेट्स। आर्गुमेंट में पास किया और ओनली सिंगल स्ट्रिंग, इसलिए इसका आर्गुमेंट टाइप यूज करोगे एज अ पैरामीटर। किस टाइप का लेंगे, एज अ कैरेक्टर एरे और कैरेक्टर पॉइंटर एस, ओनली वन आर्गुमेंट फंक्शंस। नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना, जो भी आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग है
ओरिजिनल स्ट्रिंग के केसेस में जस्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स विजिट करने होंगे, या सारे के सारे कैरेक्टर्स विजिट करने के साथ साथ जो भी कैरेक्टर आएगा उस कैरेक्टर को एवरी टाइम आप रिमूव कराते जाओगे। इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, चेक इट। काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस केस में एड्रेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर प्रीवियस एग्जांपल्स एड्रेस के रिस्पेक्ट में आपने फिस किया इसको इजीली समझना पॉसिबल है। इसके अंदर एज ए इंटरनल कोड यूज करूँगा रिमूव ऑल ऑपरेशंस। इस अगर मुझे किसी भी कैरेक्टर के ऑल फ्रिक्वेंसी रिमूव कराना जस्ट कॉल क्या कर लेंगे, रिमूव ऑल फर्स्ट वन। जैसे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को विजिट करने के लिए यूज़ क्या करेंगे, सम फोर लूप, और लूप को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, इटरेटिव वेरिएबल आई। किसी भी स्ट्रिंग को कम्प्लीटली विजिट करने के लिए जस्ट लूप क्या फॉलो करते, आई इक्वल्स टू जीरो, एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल, और सिंपली एस ऑफ आई आई प्लस प्लस। इस लूप के थ्रू गिवन किसी भी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स विजिट करना पॉसिबल है। नेक्स्ट, एवरी टाइम आप परफॉर्म क्या कराओगे, रिमूव ऑल। फर्स्ट केस, फर्स्ट टाइम जीरो इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है, कैरेक्टर मीन्स फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। जीरो के अकॉर्डिंग जस्ट इस स्ट्रिंग को आप टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कैरेक्टर बी। जीरो इंडेक्स में फाउंड क्या हो रहा है, बी। आई का वैल्यू क्या करंटली एज अ जीरो। इस पर्टिकुलर केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराओगे, बी के सारे ऑकरेंस रिमूव कराएंगे, रिमूविंग ऑल ऑकरेंसेस ऑफ अ बी, बट फ्रॉम अ नेक्स्ट पोजिशन ऑफ द बी, मीन नेक्स्ट पोजिशन का एड्रेस क्या है, 101। तो आप रिमूव किस प्लेस से कराना स्टार्ट करोगे, फ्रॉम करेंट पोजिशन ऑफ करेंट एड्रेस ऑफ बी और नेक्स्ट पोजिशन ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट पोजिशन ऑनवर्ड्स। क्या रिपीट कहाँ होगा, मीन फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ बी, आपको फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव नहीं कराना, रिमूव क्या कराना है, एक्सेप्टिंग फर्स्ट। तो इस केस में किसी भी कैरेक्टर्स को मीन्स एवरी टाइम, इस केस में अगर बी एक्सेस करना तो बी को एक्सेस करने का क्या हुआ, एस ऑफ जीरो, और जीरो के प्लेस पर यूज करें जस्ट आई, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है, जीरो। तो इस केस में जस्ट कॉल क्या कर लेंगे लूप के अंदर, रिमूव ऑल, रिमूव ऑल प्लस रिमूव ऑल। टू आर्गुमेंट फंक्शन है, फर्स्ट आर्गुमेंट पास क्या करोगे, वो स्ट्रिंग पास करोगे जिस स्ट्रिंग से आपको कैरेक्टर्स रिमूव कराना है, क्लियर। तो रिमूव किस स्ट्रिंग से कराना है, करेंटली एस की बात करें तो एस में क्या स्थान हुआ है, 100। एस के आप पॉइंटर, और इस पॉइंटर में क्या स्टोर है, जस्ट 100 बिगिनिंग एड्रेस। लेकिन आपको रिमूव किससे कराना है, 100 से या 101 से, फ्रॉम 10 मीन्स लॉजिकली स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे ओनली दैट पार्ट ओनली। इस ऑपरेशन किस प्लेस पर करा हुआ, गिवन प्लेस। इस केस में 101 किससे मिलेगा आपको, जस्ट एस प्लस आई प्लस वन। आई के केस में बात करें तो आई अभी क्या, जस्ट जीरो, देन एस प्लस 100 प्लस आई का वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो प्लस वन इज 101। तो फर्स्ट टाइम पास क्या हो, 101, इसलिए रिमूव ऑल ऑपरेशन भी किस से एड्रेस से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 101 ऑनवर्ड्स। और 101 ऑनवर्ड्स किस कैरेक्टर को रिमूव कराना है, कैरेक्टर बी, और कैरेक्टर बी किस प्लेस पर स्टोर है, एस ऑफ जीरो में, और एस ऑफ जीरो की किस में, जीरो अगर आप राइट डन करते हैं जीरो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो जीरो के प्लेस पर जस्ट यूज करें वैल्यू ऑफ आई। नेक्स्ट केस में मीन सेकेंड आर्गुमेंट क्या रिक्वायर्ड है, रिमूव्ड कैरेक्टर, रिमूव क्या कराना, ऑल ऑकरेंसेस ऑफ अ बी, और बी किस में स्टोर है, एस ऑफ आई में। तो सप्लाई क्या करेंगे, एस ऑफ आई, जस्ट टू फिनिश इट। फर्स्ट केस में जस्ट मैंने इस कैरेक्टर इस पर्टिकुलर रिमूवल फंक्शन में पास किया हुआ है 101, एस ऑफ आई, एस ऑफ आई में क्या है, आई के प्लेस पर क्या है, जीरो, और एस ऑफ जीरो में क्या है, कैरेक्टर बी। मीन 101 ऑनवर्ड्स बी के सारे ऑकरेंस डिलीट हो जाएंगे इस केस में। तो बी जस्ट 101 ऑनवर्ड्स किस प्लेस पर फाउंड हो रहा है, इसे स्ट्रिंग जस्ट मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको बी किस प्लेस से डिलीट करना, फ्रॉम नेक्स्ट पोजिशन ऑफ द बी, इस प्लेस पर जस्ट बी ओनली वन टाइम रिपीट हुआ है, मीन्स दैट प्लेस। तो इस प्लेस पर जब बी को रिप्लेस करें तो बी का ऑकरेंस जस्ट किससे रिप्लेस हो जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर एल, इस प्लेस पर क्या जाएगा, एल। नेक्स्ट वन, एल के प्लेस पर क्या जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर ई, नाउ एल इज रिप्लेस्ड बाय ई, और ई के प्लेस पर क्या रिपीट होगा, सॉरी ई के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, नल। इस द गिवन मीन स्ट्रिंग का लेंथ जस्ट एवरी टाइम वन से लेस हो जाएगा, देन रिमूव इट। दिस इज द फर्स्ट केस, अभी करेंटली रिमूव किया चुका, चेक कर सकते हो इस फंक्शंस के कॉल होने के बाद या कॉलिंग कंप्लीट होने के जस्ट बाद चेक कर सकते हो इसे गिवन स्ट्रिंग में बी के रिपीटेड मीन्स बी या किसी भी जैसे कैरेक्टर को सप्लाई किया उस कैरेक्टर के ओनली सिंगल ऑकरेंस फाउंड हो रहा है, मीन्स अब बी कितनी बार फाउंड हो रहा है, ओनली वन टाइम, क्लियर। देन ये कॉलिंग कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल अगेन कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस, नाउ आई बिकम्स वन, आई का वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, वन। तो आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट, क्लियर। अगेन चेक इट, तो नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से कंडीशन टेस्ट होगा, तो एस ऑफ वन में क्या स्टोर है, जस्ट टी, ई इज नॉट अ नल, मीन्स कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, देन फिर से कॉल होगा रिमूव ऑल, रिमूव ऑल में फिर से क्या पास करोगे, एस प्लस
आई प्लस वन, एस का वैल्यू एस में कैश टू द एस ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करेगा बेस एड्रेस इज अगेन 100 प्लस आई, आई का वैल्यू क्या है वन, तो आई के प्लेस पर क्या गया वन प्लस एक्स्ट्रा वन मीन्स फाइनली क्या पास हुआ इस प्लेस पर 102 और आई में कैश टू रहा है जस्ट एस ऑफ आई मीन्स एस ऑफ वन और एस ऑफ वन में कैरेक्टर कैश टू हो रहा है एस ऑफ वन के अंदर ई, नेक्स्ट टाइम कैरेक्टर क्या पास हो रहा है ई, नेक्स्ट टाइम जस्ट रिमूव ऑल फंक्शन से रिमूव क्या हुआ कैरेक्टर ई के ऑल ऑकरेंस, लेकिन ऑल ऑकरेंस किस बिगिनिंग से स्टार्ट होंगे या 102 से, मीन्स 102 ऑनवर्ड्स ई के जितने भी ऑकरेंस है वो सारे के सारे ऑकरेंस डिलीट हो जाएंगे, लेकिन 102 से जस्ट पहले प्रीवियस केस में ई अपीयर हुआ है क्या फर्स्ट ऑकरेंस, तो फर्स्ट ऑकरेंस आपको रिमूव ही नहीं कराना इसलिए नेक्स्ट पोजिशन का एड्रेस पास किया लॉजिकली बाई यूजिंग दैट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट अगेन ई रिमूव होगा अगेन इस 102 ऑनवर्ड्स के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग अगेन टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, इसे यहाँ बिगिनिंग किस प्लेस से कंसिडर होगा फ्रॉम 102 ऑनवर्ड्स, तो ऑपरेशन रिमूव ऑपरेशन किस प्लेस से स्टार्ट फ्रॉम 102 onwards, तो 102 onwards सबसे पहले E किससे मैच होगा L से, then not remove, then E से मैच हो रहा है E से मैच होगा तो E के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस कर मीन्स परफॉर्म किया जस्ट शिफ्ट ऑपरेशंस, तो E के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा प्लस ये ऑपरेशंस कंप्लीट कौन कर रहा है रिमूव ऑल फंक्शन, तो इसके सारे लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस प्लेस पर जस्ट रिपीट क्या हो जाएगा A, देन A के प्लेस पर क्या आएगा V, देन V के प्लेस पर जस्ट अगेन ए, ए के प्लेस पर क्या आएगा जस्ट कैरेक्टर एल और एल के प्लेस पर क्या जाएगा कैरेक्टर ई, चेक करो आप रिमूव किसको करा रहा है ई को, तो ई ऑलरेडी फर्स्ट टाइम अपीयर हो चुका है, देन ये ई का कौन सा ऑकरेंस है सेकंड थर्ड ऑकरेंस, तो अगेन आपको रिमूव कराने की जरूरत है देन ई, इस प्लेस पर्टिकुलर इफ कंडीशन के बेसिस पर अगेन ई के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टर, क्लियर, देन इस प्लेस पर क्या जाएगा जस्ट नल, जैसे ही नल कॉपी होगा देन रिमेनिंग ऑपरेशंस कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, प्लस लॉजिकली स्ट्रिंग किस प्लेस तक कंसीडर होगा फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ नल मीन्स अप टू दैट प्लेस ओनली, चेक इट मीन्स फिजिकली इस प्लेस पर ही तो है लेकिन लॉजिकली स्ट्रिंग किस प्लेस तक कंसीडर होगा अप टू फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ नल, क्लियर, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस प्लेस को भी कंसिडर कर रहा हूँ लॉजिकली एज अ नल, जबकि फिजिकली इस प्लेस पर क्या होगा एज अ ई, चेक कर सकते हो अगेन आप मीन्स आई का वैल्यू वन था इसलिए बिगिनिंग टू कैरेक्टर्स के केस में कोई भी रिपीटेशन फाउंड हो रहा है क्या नहीं, नेक्स्ट टाइम अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम करंट वैल्यू क्या आई का वन, तो नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होने के बाद आई का वैल्यू क्या हो जाएगा टू, तो अब आई थर्ड लेटर को रिप्रेजेंट करेगा एल, क्लियर, देन अगेन चेक इट आई का करंट वैल्यू क्या है टू, तो अगेन परफॉर्मिंग फिर से कंडीशन एस ऑफ टू में क्या है एल कंडीशन ट्रू, फॉर लूप का कंडीशन टू देन एस, एस मीन्स 100 प्लस आई, आई का वैल्यू क्या है टू प्लस वन कॉमा एस ऑफ टू मीन्स इसका एडिशन क्या आएगा 103, 103 ऑनवर्ड से स्ट्रिंग अगेन टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, दिस इज द लेफ्ट पोजिशन, इस लेफ्ट पोजिशन में सारे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे जस्ट एग्जैक्टली वन टाइम रिपीट हुए होंगे और रिमेनिंग पार्ट मीन्स अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, क्लियर, देन एस ऑफ टू में क्या स्टोर है करंटली एल, तो नेक्स्ट टाइम पास कर रहा कैरेक्टर है, तो अगेन आप फिर से कॉल ये पर्टिकुलर पैरामीटर किस फंक्शन में पास हो रहा है रिमूव ऑल, तो रिमूविंग ऑल ऑकरेंसेस ऑफ एल फ्रॉम 103 ऑनवर्ड्स, इस एल किस प्लेस से रिमूव होना स्टार्ट होगा फ्रॉम 103 ऑनवर्ड्स, क्योंकि अगर आप 102 से रिमूव कराओगे देन इसका फर्स्ट ऑकरेंस भी रिमूव हो जाएगा, जबकि आपको रिमूव क्या कराना है एक्सेप्टिंग फर्स्ट ऑकरेंस, इसलिए मैं पास क्या कर रहा हूँ जस्ट नेक्स्ट पोजिशन का एड्रेस लॉजिकली बाई यूजिंग एस प्लस आई प्लस वन, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम एल इस स्ट्रिंग के फर्स्ट कह रहा है 103 से मैच कराओ तो 103 से मैच हो रहा है क्या नहीं, क्यों पास कर गया 103, तो रिमूव ऑपरेशन किस प्लेस से स्टार्ट होगा नेक्स्ट टाइम 103 ऑनवर्ड्स, 103 में क्या है ए, रिमूव करने की जरूरत नहीं, देन नेक्स्ट टाइम क्या है वी, देन ए, देन नेक्स्ट टाइम क्या है अगेन एल, देन एल मीन से एल का क्या है फर्स्ट ऑकरेंस ऑलरेडी अपीयर हो चुका है क्या दिस इज द सेकंड ऑकरेंस, देन एल रिमूव होगा देन एल ऑनवर्ड्स, एल के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हो जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज नल, प्लस ये शिफ्टिंग कब तक होता है जब तक नल अपीयर नहीं हो जाता, जैसे ही नल कॉपी होगा देन शिफ्ट ऑप्शन फिनिश हो जाएगा, इन कंट्रोल का रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस मीन्स एवरी टाइम इस प्लेस पर कॉल क्या हो रहा है रिमूव डुप्लीकेट फंक्शंस, जब इसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा तो कंट्रोल भी किस प्लेस पर आएगा रिटर्न बैक टू सेम प्लेस, क्लियर, मीन्स इस टाइप से सारे के सारे ऑप्शन परफॉर्म हो रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, अगेन चेक इट 3 के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट टाइम अगेन क्या पास होगा 100 प्लस 3 प्लस 1 इज 104,
एंड आई का वैल्यू 3 है देन एस ऑफ 3 में क्या है ए, तो नेक्स्ट टाइम कौन सा कैरेक्टर रिमूव करोगे, कैरेक्टर ए, देन ए के मीन्स रिमूविंग ऑल ऑकरेंसेस ऑफ कैरेक्टर ए फ्रॉम फ्रॉम 104 ऑनवर्ड्स, मीन्स लॉजिकली स्ट्रिंग अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऑपरेशन मीन्स रिमूव ऑपरेशन, ए के लिए रिमूव ऑपरेशन किस प्लेस से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 104 ऑनवर्ड्स, 104 ऑनवर्ड्स क्या है जस्ट वी, देन नेक्स्ट टाइम क्या है ए, देन ए को जैसे ए को अगेन रिमूव कराना तो ए के प्लेस पर क्या जाएगा अगेन नल, सिमिलरली नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग इस प्लेस पर क्या पास होगा एस प्लस 4+1 मीन्स 105 और रिमूव्ड कैरेक्टर क्या है कैरेक्टर वी, क्लियर, कैरेक्टर बी रिमूव होगा वी के कोई ऑकरेंस मीन्स ओनली वन ऑकरेंस है, नेक्स्ट प्लेस पर कोई ऑकरेंस ही फाउंड नहीं हो रहा, मीन्स ये रिमूव करना स्टॉप कर देगा, नेक्स्ट टाइम इफ कंडीशन मीन्स फोर लूप के कंडीशन में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और एस ऑफ 5 पास होगा, एस ऑफ 5 में क्या जस्ट नल, देन फोर लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ गिवन नल, क्लियर, मीन्स फाइनली आपके ऑल रिमूव ऑपरेशन कंप्लीट, मीन्स जितने भी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे डुप्लीकेट कैरेक्टर रिमूव हो चुके, दिस द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर सेकंड टाइम रिपीट हुआ क्या नहीं, मीन्स इस टाइप से लॉजिकली आपके लिए ऑपरेशन परफॉर्म कराना पॉसिबल है। देन फाइनली इस केस में यूजर डिफाइंड फंक्शंस कितने क्रिएट किए, 2 यूजर डिफाइंड फंक्शंस। नेक्स्ट वन, इस कोड को टेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में जस्ट कोड का राइट डाउन करेंगे, फर्स्ट स्टेप प्रोवाइडिंग डिक्लेरेशंस फॉर कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग, मैंने मैक्सिमम साइज का एक एरे क्रिएट किया, इसके मैक्सिमम साइज प्रोवाइड किया जाए 100। नेक्स्ट टाइम रीडिंग इनपुट्स, इनपुट्स रीड कराएंगे यूजिंग गेट्स फंक्शन, किसके लिए ए के लिए, ए क्या इसके एरे और स्ट्रिंग। नेक्स्ट टाइम रिमूव डुप्लीकेट्स, कॉल क्या कराएंगे इसके में रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स में वो स्ट्रिंग पास करो जैसे स्ट्रिंग के अंदर आपको डुप्लीकेट्स रिमूव कराना, देन डिस्प्लेइंग ओरिजिनल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए पुट्स फंक्शन यूज करेंगे लाइक दैट, मीन्स इस कोड के बेसिस पर आपके लिए सारे ऑपरेशन टेस्ट करना पॉसिबल। ये इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, जस्ट दैट लूप, मीन्स आपको कोई भी लॉजिक राइट डाउन करने की जरूरत नहीं अगर आप रिमूव ऑल फंक्शन ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके, क्लियर।